सोशल मीडिया पर इन दिनों खूबसूरत महिला दारोगा का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दो दिन पहले मुंगेर की महिला दारोगा पूजा का वीडियो वायरल हुआ था। इस पर अभी चर्चा शांत भी नहीं पड़ी थी कि गोपालगंज से एक महिला दारोगा का वीडियो वायरल होने लगा है। गोपालगंज के बरौली थाने में दारोगा पति जयहिंद यादव के साथ तैनात महिला दारोगा सुधा कुमारी का रील्स वीडियो भोजपुरी के ऐसे गाने पर वायरल हो रहा है जिससे समाज के साथ साथ पुलिस की गरिमा भी तार तार हो रही है। वर्दी में तैनात दारोगा मैडम का रील्स वीडियो कभी वर्दी धारी पति के साथ तो कभी थाने में तैनात जूनियर पुलिस कर्मियों के साथ इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है। इस ड्यूटी के चक्कर में भूल गया ख्याल मेरा, मिलेगी छुट्टी संडे की, लौटाऊंगा दिन पर लाड तेरा। भोजपुरी के इस गाने के साथ वीडियो इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहा है। दोनों पति पत्नी 2018 बैच के हैं और बरौली थाने में सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात हैं। दारोगा मैडम का वीडियो पुलिस की गाड़ी चलाते हुए अन्य पुलिस कर्मियों के साथ भी दिख रहा है। थाने के पास महिला हेल्प डेस्क तो कभी थाने के गेट पर तो कभी गश्ती के साथ पुलिस कर्मियों के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मुख्यालय पटना के पास भी कुछ वीडियो रील्स बनाकर डाले गए हैं। वीडियो वायरल होने पर आम लोगों का कहना है कि भड़काऊ गीत, भाषण या धारदार हथियार लहराने वाले लोगों पर तो पुलिसिया कार्रवाई होती है, लेकिन क्या वर्दीधारी दारोगा मैडम और उनके पति पर कार्रवाई होगी? पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता छाया मिश्रा का कहना है कि महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा वर्दी में ड्यूटी के दौरान रील्स बनवाकर उसे सोशल मीडिया पर डालना पुलिस मैनुअल के मानक के अनुरूप नहीं है। यह पुलिस की गोपनीयता और अनुशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। बताते चलें कि बिहार पुलिस की मुंगेर जिला के बरियापुर थाने में तैनात ब्यूटी क्वीन के नाम से चर्चित महिला दारोगा पूजा का भी वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस कप्तान ने जांच कर कार्रवाई की बात कही थी। सोशल मीडिया पर पूजा वर्मा के बाद गोपालगंज की सुधा कुमारी और उनके पति का वीडियो वायरल हुआ है। लोगों का कहना है कि अगर जांच कराई जाए तो ऐसे कई अफसर और जवान निकलेंगे जो सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए रील्स का वीडियो वायरल कर रहे हैं।